चेक कर लेते हैं। वाओ ग्रेट यार, बहुत ही प्यारी एनिमेशन बनी है। मैं तो बस ट्राई कर रहा था कि अच्छी बन जाए, लेकिन बहुत अच्छी बन गई है। तो आप इस ऐप को ज़रूर ट्राई करें, यह आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर चैनल पाकिस्तानी गेमिंग। आज हम न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एनिमेशन बनाएंगे। तो आजकल हर बंदा एनिमेशन बनाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन एनिमेशन इजी वे से बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इसको इजी करने के लिए एक ऐप आपके लिए ढूंढा है जो प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। तो चलते हैं उस ऐप की तरफ। सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद लिखें यहाँ पे फ्लिप, फ्लिप ड्राइविंग, फ्लिप मास्टर नहीं आया। ओके, यहाँ से जाते हैं एनिमेशन मेकर पे, और ये फ्लिप पर क्लिक, इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। जहाँ पे अन इंस्टॉल लिखा हुआ है, इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, उसके बाद आपने उसको क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। और ये देखें, आप इस तरह की एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन भी होंगी, ये वो आप देख सकते हैं। तो प्ले कर पीछे ये चेक करें, अब ये इसका लूप लगा हुआ है। एक और एनिमेशन यहाँ हो गई, ये वैसे मैं ट्राई कर रहा था, इसको ये चेक करें। आप इस तरह की एनिमेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब बेसिक चीज़ जो होती है इसके अंदर वो होती हैं पिक्स आपकी, आपने किस मिकदार से पिक्स को चलाना है सेकंड्स में। तो इसके लिए आपने जाना है यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्ट, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर नेम योर एनिमेशन। तो एनिमेशन का नाम मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट ट्रायल फॉर यूट्यूब यूजर्स या व्यूअर्स। बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लें, तो मुझे जो अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बैकग्राउंड आप यहाँ से ये कैमरे वाले आइकन पे क्लिक करके और ला सकते हैं, ये गैलरी वाले आइकन से। यहाँ से आपको, यहाँ से गैलरी सेलेक्ट कर लें, तो आपको यहाँ से मैं ये वाले भी ला सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं जाता हूँ वापस, मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से आपने YouTube पे कितनी, YouTube के लिए 750 मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा तो आप 1080 भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 720 पे ही रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। आपको इससे अच्छा चाहिए तो आप अच्छी, और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने वो फ्रेम देनी है जो आपने चलानी है। तो मैं फिलहाल पिक्स पे काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसको, यानी कि एक पिक्चर पर सेकंड, एक पिक्चर चेंज होती जाए हर सेकंड के बाद। आप देखें, वो आपके सामने वो आ गया। अगर ये इसकी जैसे जैसे ये बॉल सा आप जैसे जैसे चेंज करेंगे, 30 मैक्सिमम 30 होती है, ये चेक करें। लेकिन मैं फिलहाल क्या करना चाहता हूँ, मैं 1 फ्रेम पर सेकंड पे काम करूँगा। तो मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे करता हूँ, ये हम साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ पिक्स डाउनलोड की नहीं है, आप भी वहाँ से जाके, मैं फिलहाल कार्टून ले रहा हूँ, तो आप क्रोम पे जाएं और क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर लें कार्टून, लेकिन कार्टून ट्रांसपेरेंट इसलिए लिखा क्योंकि हमने वहाँ पे बैकग्राउंड पहले ही ले लिया है, वहाँ आपके सामने मैंने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ से कुछ भी पिक्चर्स ले लें, पहले दो वाली मैंने डाउनलोड की हुई, ये वाली मैं डाउनलोड करता हूँ।
को विजिट करना पड़ेगा। ओके विजिट कर लेते हैं। इस वेबसाइट का नाम है गैरली। आप बल्कि मैं आपको लिंक दे दूँगा, गैमली यू प्राइस विला डॉट कॉम। डाउनलोड फुल साइज, आपको जो साइज चाहिए आपको ये अपलोड हो रही है और आई थिंक सो कि लोड हो गई है। और टेम्पलेट्स नहीं आए यहाँ पे, हम फिलहाल इसको ही डाउनलोड करते हैं। किसी वेबसाइट पे जाएं, अगर आपको ये परमिशन मांग रहा है गो एड, तो आपने ये नहीं करना, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ इसी पे, और यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड सेट किया था, तो ये पिक्चर सेम आपने और ऐड करनी है, तो ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते जाएंगे, ऐड होते जाएगा बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इमेज लेके आता हूँ और इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है और ऐड इमेज पे क्लिक करें, और यहाँ पे ये रहा। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। इसको प्ले करके चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ, यही वाली दोबारा, डाउनलोड में जाकर ये वाली, तो यहाँ पे ही रखता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे आता हूँ। पहले वाचा कर लेता हूँ, ऐसे भागने जैसा एनिमेशन था ना बनाना। इसको छोटा देता हूँ, पहले वाला यहाँ था और थर्ड वाला इसमें खराब हो गया थोड़ा, यहाँ पे इमेज ऐड करते हैं। याद रहे आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। हाँ बता दो, इससे थोड़ा आगे रखते थे, एक और ऐड करते हैं, मैं 5 या 10 पे बना देता हूँ। एनिमेशन बनानी है तो एनिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा पिक्स की ज़रूरत होती है, बनाना स्टार्ट करना फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी पिक्चर ऐड करता हूँ वही वाली, और ये चेक करते हैं, इसको छोटा कर लें और मैं प्ले करके चेक करता हूँ। ठीक है, इसी को मैं आगे रिपीट करता जाता हूँ। इसकी कॉपी नहीं, करते हैं ये क्या करता है, अभी इसकी हम थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग, और यहाँ से मैं 5 FPS पे लेके जाता हूँ और फिर चेक करता हूँ ये क्या कहता है। इसको प्ले करते हैं,
चेक करें। ये चेंज हो रहा है अब एक कम हो गया, मैं चुप करके था कि क्या धान हो रही थी।
याद रहे हर काम के लिए मेहनत लाजमी होती है। अगर आप चाहते हैं कि घर बगैर किसी काम करें आप कुछ कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। ये देखने से कितनी मेहनत हो रही है, वो टाइम थोड़ा सा लगता है। आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत जल्दी भी बना लेंगे, लेकिन अगर आपने ये समझा कि आप जल्दी शॉर्टकट किसी चीज़ के लिए शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट ज़्यादा देर के लिए चलती भी नहीं, अगर चल जाए तो उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। कोई भी काम आपको मेहनत तो लाजमी करनी पड़ती है। चेक करें कितनी प्यारी एनिमेशन मारी है, ऐसा लग रहा है कि वो जो कार्टून सा है वो भाग रहा है और जो चिड़िया है वो उड़ के इसके पास आ रही है। तो आप इसी तरह की और बहुत सारी एनिमेशन बना सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। और आपने अब यहाँ से आप जिस तरह भी चाहिए आप कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए चाहिए तो आप अंदर से सेटिंग पहले ही कर लेती, नहीं तो आपको सेटिंग चेंज करनी हो तो 3 डॉट्स पर जाएँ और प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाकर यहाँ से यूट्यूब, यहाँ से ये यूट्यूब वाला तो नहीं चेंज कर रहा है, हम बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड चेंज करने की जरूरत कर सकते हैं और फ्रेम्स भी साथ करते हैं आपको एडजस्ट करनी है कर सकते हैं। मतलब आप इसके साथ साउंड भी ऐड कर सकते हैं, तो मेरे पास अभी कुछ साउंड है नहीं जो मैं ऐड करूँ, चेक करता हूँ अगर नहीं। यहाँ चिड़िया वगैरह का आप साउंड ऐड कर सकते हैं, तो फिलहाल ठीक है इतना, आप और ट्राई करें आप इससे बेहतर एनिमेशन बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे इससे बहुत इजी वीडियोस आने वाली हैं। एक बार फिर, वैसे इस ऐप को कोई यूज़ नहीं करता, मैंने कहा इसको कोई यूज़ नहीं करता तो मैं इसको लाजमी यूज़ करूँगा एक बार, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है बाकियों के हिसाब से, लेकिन एक बहुत इजी है इसके। आप रेपिटेशन चेक कर लें, सिर्फ रेपिटेशन से आप इजीली इमेज बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बंदे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, शॉर्टकट यूज़ ना करें तो आपके पास कॉपीराइट वगैरह भी नहीं आएगा यूट्यूब पे, ऐसे ये हिट हो जाएगा, आपकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा चलेंगी। अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएं, अभी आगे आपको ट्रिक्स भी देंगे कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आगे आपको साथ साथ टेक की वीडियोस में मिलती जाएंगी। ये भी टेक का एक पार्ट है, लेकिन इसको बेसिकली एक ग्राफिक साइड पे, इसको एनिमेशन साइड पे, अडोब फोटोशॉप वाली साइड पे ये बेसिक है। वैसे तो बेसिक जो सॉफ्टवेयर एनिमेशन बनाने के लिए वो है अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, वो अगर आप सीख लें तो आप बहुत ही पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन काम के लिए फ्रीलांसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये भी एक आपको एक टिप मिल गया कि आप आफ्टर इफेक्ट करें, आप चैनल्स के इंट्रो बनाएं, इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। ये तो आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं, आप बाहर भी किसी को एनिमेशन बना के दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज या आजकल जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो भी एट द बेस ऑफ एनिमेशन होती है। तो अभी के लिए हम जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो याद रखिएगा हम नेक्स्ट वीडियो मैं एक और न्यू ऐप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जो इससे आसान होगा।